प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारे देश में कहीं बर्फीली वादियाँ तो कहीं हरे भरे पेड़ तो कहीं विशाल रेगिस्तान है। भारत में घनघोर जंगलों से लेकर खूबसूरत झीलों और झरनों समेत वो दिलकश नज़ारे मौजूद हैं जिन्हें देखने की चाह में दुनिया भर से लोग यहाँ आते रहते हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2020 को हुई। इसकी राजधानी रांची है और इस वीडियो में मैं आपको झारखंड की सैर करवाने जा रहा हूँ। झारखंड को झाड़ियों का प्रदेश भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि झारखंड में बहुत सारी जंगल और झाड़ियाँ हैं, इसीलिए इसे झाड़ियों का प्रदेश भी कहा जाता है। यह राज्य प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है और आज मैं इस वीडियो में आपको लेके चल रहा हूँ झारखंड की एक खूबसूरत जगह जिसका नाम है पतरातू डैम। और आज मैं आपको शेयर कराऊंगा पूरे पतरातू डैम की, और इस वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि यहां आने वाले प्रवासी पक्षियों के साथ कितना मज़ा आता है। ये डैम रांची से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और यह रामगढ़ जिले में पड़ती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। आप लोग यहां आके इसका मज़ा ले सकते हो। यहां जाने के लिए आपको घाटियों से जाना पड़ता है। यहां जाने से पहले आपको घाटियां मिलती है जिसे जलेबी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको अब डायरेक्टली डैम पे ले जाने वाला हूं, तथा डैम पे आने वाली प्रवासी पक्षी जो कि सात समंदर पार से आते हैं उनका दर्शन करवाते हैं, उनके साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इन पक्षियों का कलरव सुन रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। मैं आपको बता दूं, ये पक्षियाँ करीबन 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रतिवर्ष ये भारत घूमने आती हैं। प्रतिवर्ष भारत भोजन की तलाश में आती हैं और ये करीबन 2-3 महीना रहने के बाद, ठंडा का सीजन ख़त्म होने के बाद, ये वापस अपने जगह में चली जाती हैं। इन पक्षियों का नाम जो ये वाइट वाइट देख रहे हैं, इनका नाम सीगुल पक्षी है। ये बहुत ही मस्त होती हैं दोस्तों। इनका जो आवाज़ होता है, इनका आवाज़ सुनकर दोस्तों वीरान जगह भी गुंजायमान हो जाता है, और ये बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों इन पक्षियों को देखने में। अगर आप भी चाहते हो इनका मज़ा लेना तो कभी ना कभी यहाँ ज़रूर पधारें आप और इनका मज़ा लें। दोस्तों जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पक्षियाँ सात समंदर पार करके क्यों भारत आती है। मैं आपको बताऊँ दोस्तों, जब उत्तरी और आर्कटिक क्षेत्र में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ती है, तब वहाँ का पानी जो होता है वो बर्फ में तब्दील हो जाता है, तब वहाँ की पक्षियाँ भोजन की तलाश में भारत की ओर आती हैं। उसी प्रकार जब दक्षिण इलाके में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तब भी गर्मी से बचने के लिए ये बहुत सारी पक्षियाँ भारत आती है। तो दोस्तों ये हमारा विशेष वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ये सब